बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम करने वाले हैं जी PP 172। 172 PP के लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, इस इलाके के लोगों के मसाइल क्या हैं, इस इलाके के लोग उम्मीदवारों के क्या उम्मीदें बांधे बैठे हैं उम्मीदवारों से, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। इलेक्शन 2018 में जी मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक रहा, इस हलके से MPA की सीट पर जीते, जबकि हमाद अज़हर MNA PTI से उनका ताल्लुक रहा और वो जीते। इस वक्त जो सूरत हाल है जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कैंडिडेट फाइनल किए गए और फिर उनको टिकट्स मिली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है जी PP की सीट पर राना मशहूद अहमद खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आसिफ महमूद नागरा हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान से अदनान मुस्तफ़ा हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में उतरने वाले हैं। ये इलाका, यहाँ के लोगों के मसाइल और यहाँ के लोगों की वोट सपोर्ट किसकी तरफ है आपको दिखाएंगे। ये जिस हलके में 172 में आज मैं मौजूद हूँ, इसमें इलाके आते हैं जी रिजवान पार्क है, इरफान पार्क है, न्यू शालीमार कॉलोनी है, मुल्तान रोड का कुछ इलाका है, सब्ज़ाज़ार का कुछ इलाका है, समनाबाद का कुछ इलाका है और आसपास की जो मुल्हिका आबादियां हैं वो इस हलके में शुमार होती हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं और फिर इस हलके का जो बड़ी सीट है NA की सीट है उनके उम्मीदवारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं? मैं बेकार ही हूँ। नहीं, आप तो सायादार दरख्त हैं, बड़े हैं हमारे। मेरा पास होया हुआ है इसलिए छोड़ा। घर वालों के लिए बहुत कीमती हैं आप, बेकार नहीं है? बेकार ये तो है, ऐसा ना कहें। हाँ जी, नहीं नहीं। मुल्की हालात बताइए, कैसे देख रहे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल बेकार है, गरीब बंदा मर रहा है, कोई कारोबार नहीं है। आलू देखो 100 रुपए किलो, वो देखो 250 रुपए किलो, मुर्गी देखो 600 रुपए किलो, कौन लेगा? हमारा देखो रेंट पे घर है तो किधर, एक लड़का कमाने वाला है। कितने खाने वाले? खाने वाले 4। फिर भी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है जी। वोट किसका? वोट मियां साहब का। क्या वजह? पुराने जानने वाले हैं, लाहौर के हैं, पंजाब के हैं, ग्वाल मंडी में रहने वाले, इधर से आया हूँ, ग्वाल मंडी रहने वाले हैं। वोट किसका? शेर का। वोट किसका? शेर का। वोट किसका? इमरान खान, ओ नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का। क्या वजह? क्योंकि वो जब उनकी हुकूमत आती है ना तो कोई तरक्याती काम होता है, जब इमरान खान की आती मैंने कभी नहीं देखा कोई काम हो रहा है। ये सड़क है ना खाड़क नाले, 4 साल पड़ी रही है जब उसकी हुकूमत आई है, नवाज शरीफ की हुकूमत आई है ना तो देखें। वोट किसका? नवाज शरीफ को। क्या वजह जी? क्या वजह? मुल्क में खुशहाली हो, तो कारोबार हो, लोग परेशान है, पड़े बिल इतने इसका कोई साफ नहीं, कारोबार कोई भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हुए पड़े हैं। वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? वजह ये है, वो हमारा लीडर है। अच्छा। उन्होंने स्कूल में पहला सपारा हिफ्ज करने के लिए दिया उन्होंने, और भी बहुत कुछ किया उन्होंने, जो उनसे 3 साल इन्होंने किया ना, 2 साल और करते ना इमरान खान ने सही लीडर बन जाना था। अच्छा। अब दोबारा उनको अगर मौका मिल गया क्या करेंगे, उम्मीद क्या है आप? उम्मीद तो बहुत कुछ है उनके साथ। अच्छा। वो एक बार बाहर आ जाए। वोट किस? लबैक, लबैक। क्या वजह? वो अच्छे लोग हैं, इस्लामी हुकूमत आ जाएगी तो अच्छी बात है। ठीक है, कुछ और लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। जॉब करते हैं? कारोबार करते हैं? जॉब करते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट? नहीं, मैं एक्चुअली प्राइवेट अदारे में हूँ। लेकिन आप वोट के बारे में पूछना चाह रही हैं? मैं वोट पूछ रही हूँ किसको दें? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को दें। वोट किसको सर? वोट को। क्या वजह? बस वजह आपके सामने है। अच्छा। ये नवाज शरीफ को वोट देंगे, इंशाल्लाह जीतेगा भी वही। इमरान खान ने 3 साल 3.5 साल में कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ आता है कोई ना कोई काम करके जाता है यहाँ पे, ठीक है, और इमरान खान ने 3.5 साल में सिर्फ महंगाई के अलावा और कुछ नहीं किया, ठीक है। नवाज शरीफ इंशाल्लाह जीतेगा, आगे भी नून लीग को ही वोट देंगे, महंगाई टूटेगी इंशाल्लाह, उम्मीद पूरी है। उम्मीद है जी। ठीक है, एक और हमारे बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको दे रहे हैं? वोट शेर को। वोट किसका? शेर। क्या वजह? बस वैसे ही वजह यही है कि आपको पता ही है, वो काम शाम कर रहे हैं, सारा कुछ करते हैं,
लोग ही सुनते भी हैं। अभी इमरान खान का आपको पता जो प्रॉब्लम बनी हुई है उसके हिसाब से तो फिर शेर का ही बनता है, ठीक है। बाकी फैमिली वगैरह कुछ लोग पीटीए के हैं, कुछ शेर के हैं, ये जरूरी नहीं कि सब शेर के हैं, पीटीए के भी हैं लेकिन ज़्यादा शेर के हैं, तो इसीलिए ये है कि वो सुनते भी हैं, बात सुन लेते हैं। उनकी हुकूमत में किसने बात नहीं सुनी थी, यहाँ पे सब लोग बात सुन लेते हैं, भाई ये वजह। और नाज़िम ये है हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू वोट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब घर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? पीटीआई का। क्या वजह? मुझे पसंद है। अच्छा, मेरे ख्याल से वो ईमानदार है। ठीक है, वोट किसका? पीटीआई का। ठीक है जी, कुछ और फैमिलीज, वोट किसका? वोट पीटीआई का, जान भी पीटीआई की और वोट भी पीटीआई का। क्या वजह? वजह ये है कि जितना भी है उन्होंने शोर दिलाया आवाम को, हाँ और कोई वजह नहीं है। हाँ, वोट भी पीटीआई का और जान भी पीटीआई को। दोबारा मौका मिल जाए, क्या उम्मीदें आप? यही उम्मीदें है कि वो हमें गुलामी से बाहर निकालेगा, हाँ और कोई उम्मीद नहीं है, और यही सबसे बड़ी उम्मीद है। वोट किसका? पीटीआई का। ये इनकी वजह से या आपकी अपनी मर्जी है? ये मेरी अपनी मर्जी। अच्छा, है। क्या रीजन क्या है? उनका काम नवाज शरीफ से लाख गुना बेहतर है। क्या क्या बेहतर लगा आपको? बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक आप? ठीक है। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ मैं। जॉब वाले भाई, प्राइवेट गवर्नमेंट? प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। कैसा चल रहा है घर? घर अच्छा चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, वोट किसको दे रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं वोट। अच्छा। जी जी। क्या वजह? ये वजह ये है ना कि वो करते हैं काम दिल से करते हैं, ठीक है, तो वो जो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए हम नून लीग को वोट दे रहे हैं। उम्मीदें क्या हैं? उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह जो पहले रुका हुआ था काम वो कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। जी जी। मशवरा क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले आए तो क्या करें? सबसे पहले ये है कि महंगाई को कम करें, जो गरीब लोग हैं उनको जो है पहले वाला जो 65 पे था पेट्रोल उसको वापस लेके आए। 65 रुपए पे? 65 रुपए पे आ जाएगा? आ जाएगा एक साल। मुझे तो लग रहा है ख्वाब ख्वाब ही होते हैं, सारी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वोट किसका? नून लीग। क्या वजह? नून लीग है। वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्या वजह? बस वैसे ही। वोट किसका? शेर का। क्या वजह? शेर शेर है इसलिए। वोट किसका? वोट मुर्शिद का, कैदी नंबर 804 का। क्या वजह? बस उनसे एक दिली मोहब्बत है और उसका सबूत हम इंशाल्लाह देंगे 8 तारीख। वोट किसका? शेर का। क्या वजह? बस नवाज शरीफ अपनी जान है। दोनों भाई हैं, दोस्त हैं? भाई हैं। सगे भाई? कभी घर में तकरार होती है पीटीआई नून लीग? नहीं, हम सब शेर के हैं। सब शेर के हैं। वो तो पीटीआई को वोट कर रहे हैं। तूने पीटीआई को देना है? अच्छा, पीटीआई को दूंगा इंशाल्लाह। शेर को देना है इसने? शेर को देना है इंशाल्लाह पीटीआई को। इसको शेर पे मनाना हमने। वो जब अंदर जाके मोर लगाएंगे फिर इंशाल्लाह देखेंगे ना। वो तो अपना लेके आना हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उनको अपनी मर्जी करने दे, क्यों लाना है आपने उनको? नहीं, इसको शेर को दिलवाना वोट। घर में और कितने आपके साथ हैं और कितने आपके साथ हैं? मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी है और इनके साथ वालिद साहब हैं। यानी दो वोट आपके पास हैं, दो आपके पास? जी। अम्मा बहने? वो शेर की तरह। क्या मतलब आपका पलड़ा भारी है? इंशाल्लाह। ठीक है, वोट किसका? नून लीग। क्या वजह? आपको भी पता ही है सारी वजह, पीटीआई को भी पता है। भाई आप बताएंगे ना वजूहात, तो आपको पता ही है। वो काम से ही करते हैं, महंगाई कम होगी, मुझे महंगाई कम होगी, हो जाएगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। वोट किसका? नून लीग का। क्या वजह? यही महंगाई कम हो जाएगी, मुल्क की हालात ठीक हो जाए, कारोबार की हालात ठीक हो जाएंगे। ये पुराने पापी हैं, आपको पता है ये पुराने के खान को कैसा यानी कि उसने रखा है, अदला बदला ले लिया ना उसने भी। नून लीग भी है जी। वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्या वजह? सारी हुकूमत उसने। एक और भाई है, वोट किसका? पीटीआई। क्या वजह? बस दामन इसके दामन करेंगे पूरा पीटीआई के साथ। खान वाला शेर है, बबर शेर है, पीटीआई। ठीक है जी, नाज़रीन अवामी राय आपके सामने, आगे चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। वोट किसका? वोट पीटीआई। क्या वजह? कभी नहीं डाला, इस बार डालना, पीटीआई को डालना है। मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ लेकिन इस बार पीटीआई को डालूंगा। पीटीआई को डालेंगे, पीटीआई को डालेंगे। आपने कभी वोट कास्ट नहीं किया? कभी कास्ट नहीं किया वोट, क्योंकि इन पे एतबार ही नहीं है, दोनों पार्टियां करप्ट थी। पीटीआई पे डालना है, अब गुस्से में भी डालना है, इसी पे डालना है, सिर्फ पीटीआई, ओनली ऑन पीटीआई। क्या वजह?
वजह बस यही है कि ये अच्छा इंसान। वोट किसका? पीटीआई। वोट किसका? शेर। क्या वजह? शेर वही वो वाहिद नवाज शरीफ है जो मुल्क को संभाल सकता। इमरान खान को हमने आजमाया 2013 में, उसकी गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ की, जरदारी साहब ने पेट्रोल का रेट ऊपर किए हुए थे, उसने आके पेट्रोल नीचे गिराया, 100 रुपये डॉलर लेकर आया। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई उसने 180 रुपये पेट्रोल किया, वहाँ से फिर परवान चढ़ता गया, अभी इस टाइम 270 रुपये पेट्रोल है। ये वाहिद नवाज शरीफ है जो ऊपर से नीचे गिराएगा इंशाल्लाह हर चीज़ को। वेरी गुड। शेर एक बार फिर लग रहा है कि महंगाई टूट जाएगी? इंशाल्लाह टूटेगी, हमें बिलीव है। पीटीएम आई थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थी, नहीं टूटी? पीटीएम आई थी वो मिक्स गवर्नमेंट थी, पीटीएम आई थी वो मिक्स गवर्नमेंट थी। महीने में 3.5 महीने में जिसने पेट्रोल 50 रुपये बढ़ाया, ठीक है, 100 रुपये नवाशी छोड़ के गया था, 50 रुपये बढ़ाया, ठीक है, तब आप लोगों ने चीख सुने ना, बात सुन लें, लोगों ने चीखे मारी, आज 300 के करीब पेट्रोल पहुंच चुका। मैं इंड्राइव का राइडर हूँ, हमें पता हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, ठीक है, हमें धक्के लगाने पड़ते हैं बाइक्स को। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बाइक्स को इतने लोगों को धक्के लगाते नहीं देखा जो आप लगाते देख रहे हैं। किसने किया ये सब कुछ? जब 80 रुपये पेट्रोल था तब यही लोग कहते थे चेंज चाहिए, चेंज चेंज चाहिए, हमें चेंज चाहिए, चेंज फिर गया 180 रुपये। चार दफा हुकूमत करके भी पेट्रोल महंगाई फिर गया 180 रुपये। जब 80 रुपये था, जब 80 रुपये था तब ये कहते थे हमें चेंज चाहिए, चेंज जब आया वो 180 रुपये चेंज चला गया। बात बताऊँ, बुरा ना माना भाइयों बड़े, हम लोग गलत हैं, कुरान में फरमाया गया जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ठीक है, हम लोग शुक्र करते हैं 20 रुपये बढ़े, हम शुक्र करते हैं 100 रुपया पेट्रोल नहीं बढ़ गया, 150 नहीं बढ़ गया, हम लोग गलत हैं। सही बात है, इसलिए अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा। सब वोट सियासी सूरत हाल नाजरीन आपके सामने है। वोट किसका सर? वोट नवाज शरीफ का। क्या वजह? नवाज शरीफ माशाल्लाह अच्छे लीडर हैं, पाकिस्तान का बेहतर सोचा उन्होंने मुस्तकबिल के लिए, और आज तक नेक्स्ट टाइम भी अच्छा सोचेंगे, अवाम उसके साथ है, पहले भी उनके साथ धांधली हुई है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा रिजल्ट अच्छा आएगा और धांधली नहीं होगी, लोग भी एक्टिव हैं और होशियार हैं, अगे नेक्स्ट टाइम भी वही जीता नवाज शरीफ, लेकिन उसको गेम को होल्ड किया उन्होंने सारा। वोट किसका? नवाज शरीफ। क्या वजह? ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ जी। कोई वजह नहीं? नहीं। उम्मीदें क्या उनसे? उनसे महंगाई कम करेगा। कर देंगे? हाँ जी, ठीक है जी, महंगाई कम होने की उम्मीदें हैं। वोट किसका? जान खुदा की वोट इमरान खान का। क्या वजह? वो एक सच्चा इंसान है, सच्चा होने की वजह से दे रहे हैं इसको वोट, तो इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि वही आए इमरान खान ही। अच्छा। ये उसे देने वोट देने दो, इलेक्शन में खड़े होने दें या ना होने दें, लेकिन हमारा वोट इमरान खान का। ठीक है, कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का। तो ठीक है, क्या करते हैं जी? मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। प्राइवेट गवर्नमेंट? प्राइवेट। प्राइवेट प्राइवेट जॉब वालों के क्या हालात हैं आजकल घरों के? बस महंगाई इतनी है, घर के चूल्हा जो है ना बहुत मुश्किल से चल रहा है जी। हाँ, ये सियासतदान जो है बस गरीब आदमी को ना डुबो के रख दिया है बस। हाँ जी, कौन सी सियासी जमात है जो डूबे हुए गरीब आदमी को निकालेगी टेंशन से? ये देखो नवाज शरीफ ही है अभी आया, जो नून लीग वाले ही हैं जो निकालेंगे। आपका वोट किसको? नून लीग को। क्या वजह? बस नून लीग जो है महंगाई को तोड़ करेंगे ना इंशाल्लाह। वोट किसका? वोट नून लीग का। क्या वजह? इसी वजह से ये महंगाई कम करते हैं नून लीग वाले, जब भी आए हैं हमें हर चीज़ में रिलीफ मिला है। महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है इंशाल्लाह हो जाएगी, तो इस वजह से नून लीग का वोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं सर? मैं फारग हूँ इस टाइम तो। रिटायरमेंट जिंदगी? हाँ जी। सुकून से? ओह अल्हम्। बच्चों के काम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा। हाँ जी शुक्र। वोट किसका? वोट देखेंगे किसका, अभी तो कुछ नहीं। सर कितने कम दिन रह गए? कोई बात नहीं, अभी देखेंगे क्या कर रहे हैं। हाँ, नज़र कुछ नहीं आ रहा है, महंगाई इतनी है, बिल नहीं दिए जा रहे, क्या करें हम? के बिलों ने बिजली के बिल और ऊपर से गैस के बिल। हाँ, ये देख लें तो फिर देखते हैं कि किसको देना है वोट, आदमी में नज़र कुछ नहीं आ रहा है। पहले किसको वोट देते थे? नून लीग को। अब क्यों नाराजगी हो गई? बस नाराजगी की यही कुछ नहीं, नाराजगी तो होनी है, क्या की है? इतनी महंगाई की है, 16 माह में कितनी महंगाई की है, ये सब मिले हुए थे, अब एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। क्या होना चाहिए था जो आपको लग रहा है नहीं हो सका? यही महंगाई कम होनी चाहिए, बिल देखे ना कितने हैं। हाँ। जो 33 यूनिट है उसका 2100 रुपया है,
जो 32 यूनिट है उसका 900 रुपया है, 32 यूनिट का कम पैसे हैं, उसके ज्यादा पैसे हैं। अच्छा, यानी यूनिट कम इस्तेमाल हुए हैं, बिल ज्यादा आया है। यूनिट ज्यादा इस्तेमाल हुए, बिल कम आया है। फिर क्या लोग ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करें या फिर कोई कुछ भी कर लो, इधर कुछ होने वाला नहीं है, समझ से भाई। सोचो भी ना कि इधर कुछ होगा। हाँ, इंशाल्लाह इधर कुछ नहीं होगा। अरे, इतनी नाराजगी, मायूसी, सब समय लोग खत्म होने वाली है, सब कुछ होगा, ये सब कुछ। हम लोग इतने परेशान हैं, क्या करें। किसका वोट जी? वोट उसी का जो इस मुल्क के लिए कुछ करेगा। इस मुल्क के अंदर तो आप जो निज़ाम देख रहे हैं, बारी सिस्टम चल रहा है, बाप है, बाप के बाद भाई है, भाई के बाद उसका बेटा है, बाप की बेटी है, ठीक है, भुट्टो है, भुट्टो के बाद उसकी बेटी है, ये खानदान खानदान इस मुल्क के अंदर जो सही सियासत चल रही है, इस सियासत के अंदर ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर आम आवाम का कुछ नहीं हो सकता। ये बताया जाए कि ये आम आवाम के अंदर इनमें से कोई नहीं बन सकता। आप जितने भी इस वक्त इलेक्शन के ऊपर खड़े हुए देख लें, किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई, आप कोई जागीरदार, कोई सरमायादार, कोई सरदार, ठीक है, कोई वडेरा, आपको यही नज़र आएगा, आम शख्स आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। तो आम लोग सियासत में क्यों नहीं आते, जैसे आप जैसे भाई हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, क्यों नहीं आ रहे सियासत में? सियासत के अंदर आम शरीफ बंदा तो आ ही नहीं सकता। आना चाहिए ना, फिर सिस्टम बदलेगा, जैसे आप शिकायत कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ जब निज़ाम ये होगा कि कोई ना कोई बंदा अगर चलना चाहेगा, उसके घर से उसकी माँ बहन बेटी को उठा लिया जाएगा, तो कैसे शरीफ बंदा आगे आएगा? ठीक है, जब लोगों को धमकाया डराया जाएगा तो इस मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, सदियों से चलता आ रहा है, आप देख लें, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो मौशी सूरत हाल है मुल्क की, कौन सी सियासी जमात बेहतरी ला सकती? आपने अगर माशी सूरत हाल के हवाले से देखना हो तो ये जो 800,000 रुपया दिहाड़ीदार जो तबका है, इनसे पूछ के देखिएगा कि इनके घर का रोज़गार कैसे चल रहा है। मेरी एक खाला है, बेवा है, कल उन्होंने मुझे बताया फ़ोन पे कि मुझे 41,000 रुपया गैस का बिल आया, 41,000 रुपया गैस का बिल आया है। एक बेवा औरत वो कैसे बिल अदा कर सकती है? और ये जो आम वामनास है, 600-700 रुपये दिहाड़ी वाले, 8,000-10,000 रुपया मकान का किराया है, उनका गुजारा देखें कैसा होता होगा। इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। इस मुल्क के अंदर जो चलना चाहेगा उसके साथ इमरान खान वाला हाल होगा, ठीक है। जो उस मुल्क के अंदर इस लोगों की बेहतरी के लिए चाहेगा ना, उसके साथ यही होगा और यही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस मुल्क के साथ और कुछ नहीं हो सकता। नाज़रीन, आवाम में मायूसी भी है, गुस्सा भी है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नज़र आती है इलेक्शन को लेकर। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किसको वोट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम कैसा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है, बस अच्छा है। नहीं, अच्छा तो नहीं चल रहा, फर्क ही बैठे हैं खैर से। प्रॉपर्टी वाले जितने भी मुझे प्रोग्राम में मिलते हैं नाराज हैं। काम नहीं है आजकल, काम नहीं है बिल्कुल भी। वजह क्या है काम ना होने? बस ये जो मकसद है कि जो अपना सियासतदान है ना, इनका आपस में मामला जाहिर है वो। इस वजह वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को। क्या वजह? बस पीटीआई। हाँ जी, वोट किसका सर? मेरा नवाज शरीफ का वोट। क्या वजह? हम शुरू से इस नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि कोई भी बंदा आएगा ना, हालात ऐसे ही रहेंगे। अच्छा। वो चेंज नहीं हो सकते। ऐसा क्यों लगता है आपको? हालात तो बदलने चाहिए, आसानी होनी है। अच्छा। हम लोग ठीक नहीं है। आप क्यों नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं अभी? नवाज शरीफ ने आपको क्या दिया है? खान ने क्या दिया है? यार इमरान खान शोर दिया, अक्ल तो दी है ना कम से कम बंदे को। इमरान खान ने क्या दिया आपको? क्या दिया मुल्क के लिए उसने? ये बस इमरान खान ने बड़ा कुछ दिया आपको, मुल्क के लिए समझ नहीं है। बिरयानी की प्लेट बस आ जाए वो आप ठीक हैं। आप मुझे बताओ इमरान खान ने किया क्या? वो अपना भी किया था। क्या किया नवाज शरीफ ने? बेंजीर के साथ क्या किया नवाज शरीफ के? आपने किसी भी जलसे में, नवाज शरीफ के जलसे में किसी लेडीज को आपने देखा? बेंजीर के साथ क्या किया? किसी लेडीज को नाचते हुए देखा आपने? बेंजीर के साथ ये बात, ये महंगाई होती जा रही है, सिर्फ इंसानियत खत्म कर लेगा भाई जान।
अगर नवाज शरीफ चोर है उसने आवाम के 10 रुपए खाए हैं 4 रुपए लगाए क्यों खाए क्यों खाए इमरान खान ने क्या किया क्यों खाए इमरान खान ने 10 में 4 तो नहीं ना खाए इमरान खान ने क्या इमरान खान ने ना कम से कम इंसानों को शोर तो दिया है अक्ल तो दी है ना लोगों को समझ तो आई नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वोट इमरान खान आराम से झगड़ा नहीं नवाज शरीफ जिंदाबाद वोट किसका वोट देना तो है ना भाई वोट सबके हैं वोट देना है वोट आपका मैसेज है वोट का हक बनता तो है ना ये नहीं कि वोट देना ही हक कोई देता ही नहीं जेड़ा डब्बे ते पैंदा या तो ओदा ना गिणिया जाए ओ गिणिंदा ही नहीं वो वोट मांगने आते हैं तब ये बात उनको को आप जब वोट लेने वोट मांगने आते हैं ये बात उनको करते हैं वो भी मजबूर ने बेचारे ओ यार अन्ने ने अन्ने ने हुन केड़ा दौर रह गया वो बेचारे मजबूर ने चंडिया चौक के लगे फिर उन्होंने पता असि तो पहले ही सिलेक्ट भाई साहब मेरी बात सुने जो वोट है ना जो वोट है वो आपका मैसेज है वो आपका पैगाम है कि आवाम क्या चाहती है सही फरमा रही है कि वोट हमारा हक है लेकिन इत्थे हक तलवी हुंदी है और हुंदी पैंदी है हक तलवी दे इत्थे है हर बंदा हक खांदा है वोट तो देना अपना हक तो इस्तेमाल तो साडा हक ही खा जावे अगला ते ओदा की फायदा उत्थे जाके 2-4 करोड़ दे दाएं बाएं हो जांदे ने या के घूरी ते ही मिक जांदे ने वोट किसका वोट इमरान खान क्या वजह वजह आप सबको पता है दलेर आजमी आप सबको नहीं पता क्या वजह पीड़े वोट किसका शेर को वोट डालेंगे शेर का वोट किसका भाई जी इमरान खान का क्या वजह वो बंदा ठीक है वोट किसका इमरान खान नवाज शरीफ चोर है उसको नहीं देना 40 साल में उसने अपने लिए हॉस्पिटल नहीं तैयार कर सका उसको वोट दे हमें क्या वोट किसका शेर का क्या वजह काम किया है हमेशा काम किया है पिछले 4 साल देखा नहीं कि क्या हालात थे कारोबार बिल्कुल ख़त्म थे तो अब अल्लाह का शुक्र है बेहतरी आ रही है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बेहतरी मार्केट में आ रही है कि लोगों को पता है कि आगे अब नून लीग की हुकूमत आने वाली है तो हौसला बढ़ रहा है इन्वेस्टर आ रहा है बाहर तो इंशाल्लाह शेयर को लग रहा है बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह होगी उम्मीदें क्या है उम्मीद अच्छी है कारोबार बढ़ेगा जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती है निचले तबके तक पैसे आते हैं वोट किसका शेयर का क्या वजह शेयर अच्छे काम करता है वोट शेयर का आपका वोट बना हुआ है ठीक है जी नाज़रीन कुछ और लोगों से भी बात करते हैं हमारे बुजुर्ग हैं इनसे जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने जितनी उम्रें पाकिस्तान में गुजारी हैं अच्छे बुरे हालात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं आज की ज़िंदगी आज का दौर इलेक्शन सियासत और साथ ही साथ इनका वोट किसकी तरफ है इन्हीं से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कैसे हैं सर बस शुक्र है रब का ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं रौनक लग गई है हाँ लग गई है जी रौनक लग गई है हाँ अच्छा। वोट किसको दे रहे हैं नवाज शरीफ क्या वजह बस बंदा अच्छा है अच्छा हाँ वो काम करेगा मुल्क वास्ते वाह बेहतरी होगी बस है गल क्या क्या काम हो जाएंगे आपको क्या लगता है उम्मीद क्या जो आंदा है ना पिया वो ठीक आंदा है पिया ना जेड़ी महंगाई है मैं थले करांगा करांगा मैं थले जो इसे मेहनत हैगी करेगा थले जरूर बस आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त बेटा सब तो बड़ा मसला है कि गरीब आदमी नु रोटी नहीं लग रही अगर रोटी लगेगी तो गरीब आदमी खुशहाल रहेगा हम देखो ना मैं खुद बुढ़ा बंदा वा मैं रक्षा चलाना अगर मैं रक्षा चलान जाना जो मैं पैसा नहीं लगता मेरे बच्चे तो आवाजान ने ना नवाज शरीफ का दौर च 70 रुपए किलो गैस थी जब ये गए हैं 70 थी इनके जाने के बाद अब 300 रुपया किलो गैस है मोबलाल 50 रुपए का था वो अब 400 रुपए का है अब ये बताएं भाई हम 400 का मोबलाल डलवा के 300 की गैस डलवा के कितने पैसे कमा लेंगे बहुत मुश्किल है अच्छा। आप बहुत पैसे लेने हम उनको बोलते हैं बाजी जी हमें आप गैस डलवा लो हम आपको छोड़ आते हैं इतनी महंगाई क्यों हो गई वजह क्या क्योंकि पीटीआई चली गई फिर पीडीएम आ गई आने पे ही तो ये महंगाई हुई है पहले तो नहीं थी जब पीटीआई आई है तो ये महंगाई तब शुरू हुई है इन्होंने तो गरीब का खाना छीन लिया जिसका
पांच बच्चे खाने वाले हैं, घर का किराए का मकान है। अगर वो 1,000 रुपया कमाता है तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता बच्चों को रोटी सही दे सके। अच्छा सर, सियासतदानों को कोई मशवरा दें कि अवाम उनसे क्या चाहती है, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं क्या करें वो आपके लिए? बेटा हम तो सारी बात एक ही करते हैं, अभी जो भी आए ना हमारे लिए अच्छा है, गरीब के लिए, हम और कुछ नहीं कहते। क्योंकि जो गरीब को रोटी मिलेगी ना तो वो दुआएं देगा ना, जब हमें रोटी नहीं मिलेगी तो हम सबको भी बददुआएं देंगे, ये मसला। ठीक है, किसका वोट भाई? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को। क्या वजह? बस नवाज शरीफ अच्छा है। कैसे हैं सर? अल्लाह करम शुक्र। मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं? मुल्की हालात ताड़े सामने ही है, जो भी हो रहा ताड़े सामने ही है। अच्छा। केड़ी कसर आगी पीछे। हाँ जी, लेकिन चाचा हर 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 इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके घर भी चल रहे हैं, आराम से जिंदगियां गुजर रही हैं। जेड़े सरमायादार पार्टी है उन्हें नहीं फर्क पैंदा, जिन्ना फर्क पैंदा छोटे छोटे तबके नूं पैंदा, और थले वाला तबका जिहड़ा उन्हें फर्क पैंदा। 2,000 जेज पाए घर आ जाना है, 10,000 जेज पाए घर आ जाना है, उन्हें की फर्क पैना है? जिस बंदे शान 500 रुपया कमा के लियाना है तो उन्होंने फर्क पैना ही पैना। 500 रुपये का किलो घ्यो वा, वो घ्यो लिया या सब्जी लिया, 300 रुपये सब्जी हुई है, दाल 400 ने, चीनी 150 वा, की लिया 500 रुपया किलो चने ने, 500 रुपये के किलो चने ने, किसी को कहो ना उन्होंने 50 रुपये चने दे दे, वो कहना चल अगे हो जा 50 रुपये। दाल नहीं हूँ, कोई दाल नहीं पका सकता, इन्नी महंगाई है, अगे दाल सौलियाँ होंगे सर, हर बंदा आता चल दाल पका लेने, हाँ हम बंदा दाल नहीं पका सकता। गोभी 300 रुपया किलो है, मटर 300 रुपया किलो है, पका सकता बंदा हूँ गल कर ही। चाचा गरीब के घर में पहले सब्जी तो पक जाती थी ना, सब्जी दाल, गरीब के घर सब्जी उदो वाधू होंगी सी, उदो 5 रुपये 6 रुपये बड़ी बनती थी, महंगी ये भाव होंगी सी उदो, तो हूँ हूँ समान ना गल कर सब्जियां भी ये टाइम गोभी की रेट सी 25 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, हूँ 220 रुपये किलो, कि फर्क पाया भी सब्जियां चो ही ना, सादी जरात चो ही है ना जी आ रही है सब्जी, वही जी आ रही है वो क्यों इन्नी महंगी हो गई है? प्याज जड़ा हौला जोड़ा प्याज है वो 200 रुपये किलो है, रेहड़िया कोचे रेहड़ी वाले बेचते हैं, दुकान वाले 250 बेचते हैं, 300-350 रुपया किलो प्याज है प्याज। अच्छा चाचा हमारा ज़रई मुल्क है, बारिशें यहाँ होती हैं, ज़मीनें हमारी हैं, किसान हमारे हैं, फिर भी सब्जी दाल भी गरीब को सस्ती, आटा भी ना हर शहर से पैदा होती है, केड़ी शहर का काम है? तबके वाला बस कार्रवाई करेगा तो थले आएंगे ना, जब उतले ही नहीं कहेंगे भाई ये सस्ती बेचो तो फिर वो सस्ती कैसे हो सके? वो बेटा ये गल ये तो जो नहीं कर देगी, इन्हों का काम है दुकाना के छापे मारने, ये दुकाना के छापे नहीं मारते, छापे मरवाए थे उन्हें, मरवाए थे अपना अयूब ने, उन्हें छापे मरवाए थे दुकाना के उत्ते, जाना चाहिए दुकाना जाके भाव पुछने चाहिए ने, हाँ चेक तो करते नहीं है, दुकानदार आपो अपनी मर्जी कर देने पै, जो किसी का मर्जी है भाव लाइए बस अल्लाह खैर अलग होगा, सात सात दुकानें हैं ना, एक का ये रेट है, एक का ये रेट है, एक का ये रेट है, उनको बोलो यार वो तो इतने जाओ उधर से ले लो, बंदा मजबूर हो जाता है जाके, यानी कम करने का बस है गल, हर शहर पैदावार है कि शहर की इसे कमी है, ये दादा की नगरी है इसे हर शहर मिलती है, बस कोई अयूब के दौर में 16 रुपए से आटा 20 रुपए मन हुआ था, तो लोगों ने हड़तालें कर दी थी, दूध 6 आने से 8 आने हुआ था तो उन्होंने हड़तालें कर दी थी, दूध दूसरे दिन ही उसी रेट पे आया था, 6 आने शेर दूध था और 16 रुपए मन कनक थी, यार असि अपने हाथ ही लिया रहे हैं 8 रुपये मन थी कणक बदो पहले सी ना साढ़े दौर चली 5 रुपये देसी घ्यो सी उदो यूब के टाइम च,
असली खालिस वाला देसी घी। छोटा गोश्त जड़ा है ना वो 5 रुपए 4 रुपए बिकता है छोटा गोश्त। अजूब दे दौर है हुकूमत वो कर गई है। चाचा अब तो मुर्गी चिकन जो है वो भी खा सकदा गरीब बंदा और मुर्गी जड़ी वो नहीं बंदा खा सकदा हुन ओ आंदा मैं जाके मुर्गी लाया मां वो भी फेर दी पेंट पा तोल दे ने वो भी काट दे दे ने बेईमानी इतनी हो बेईमानी और की है ओना कन्या दे विच फर्क रखे है। हां अब ये सारा कुछ तो हुकूमती इदारों ने चेक करना है। ए यूब ने काम किया थी ओने मंडियां दे विच छापे मरवाए थे ना उदो बाद नहीं होया कोई काम ओने मंडियां दे विच छापे मरवाए थे। अच्छा चाचा ये जो जगह जगह जाके छापे मारते हैं ना इनके अफसरान भी हैं मुलाजिम भी हैं तनख्वाहें भी मिल रही हैं लेकिन काम नहीं होता। हां लगी हुई है उनकी मंथलियां लगी हुई हर दुकान पे। अच्छा। वो आते हैं वो अपना राशन भी ले जाते हैं साथ पैसे भी ले जाते हैं जिस दुकान पे जाएंगे वो अपना शॉपर बैग वो लेके जाते हैं साथ उसमें सामान ले जाते हैं। अच्छा। तो गरीब का तो कोई नहीं पूछने वाला। अब इसी उम्मीद में दोबारा वोट दे रहे हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। किसको दे रहे वो शेर को ही देंगे क्या वजह इसी उम्मीद में कि शायद मुल्क के हालात बेहतर हों कारोबार चले। आपका वोट किसका डेफिनेटली शेर नहीं देंगे वजह होर किनों देना वा क्योंकि बल्ले वाले ने तो कुछ नहीं किया अपना बल्ला चुक के तो पासे हो गया भी। अच्छा। शेर दिंदा बाजी वो तार ताजर लोग है ना कारोबारी लोग है ने बाजी वो कारोबार ते नाले सियासत कर जानते हैं। बाबा जी सही कह रहे उन्होंने दौर से भी चंगा वक्त गुजरे है वे लेकिन जितने 5 रुपए घ्यो कह रहे थे हम फर्क इन्ना कि जीरो बढ़ गया 500 रुपए किलो हो गया बाकी गल तो यही है। दौर के अगर जो बंदा 1000 रुपया मजदूरी कमाता से ना 10 किलो आटे का थैला लैके जाता सी घ्यो लैके जाता सी हुण दे दौर दे विच अगर गरीब बंदा 2000 रुपया कमांदा है ना तो 2500 रुपए का थैला आटा 500 रुपए का घ्यो है हुण 1000 रुपए दे विच 1000 रुपया मजदूरी लैके आएगा तो आटा लैके जाएगा या घी लैके जाएगा। उस दौर दे विच 40 रुपए पाइया दाल सी जिहड़ी बेची लैंदे सी हुण 100 रुपए दी पा दाल है गरीब आदमी दाल छड़ के कोई चीज़ नहीं पका सकता है। उस दौर दे विच प्याज 40-50 रुपए किलो सी इस टाइम 250 रुपए किलो है गरीब बंदा यह चीज़ नहीं खा सकता है। उस दौर के दुध 70-80 रुपए किलो सी हूँ 250 रुपए का किलो है गरीब बंदा की करे किधर जाएगा। जिंदगी इन्नी महंगी करती गई है कि इंसान का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। सफेद पोश आदमी जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि कम भी कोई नहीं आया तो महंगाई इन्नी के बहुत मुश्किल हो गया बच्चे पढ़ावे खाना खिलावे घर के बिल दे बस इस तरह का निज़ाम। अच्छा सर जो भी सियासतदान आए उनको मशवरा क्या देंगे क्या करें वो आके वो मुल्क की बेहतरी वास्ते करे कोई बस अल्लाह खैर अल्लाह गल कर दीजिए मुल्क वास्ते करेगा कुछ तो दबावा लाएगा गरीबा को बहुता गरीब ही मरता है सरमायादार कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा वो लोट होंगे ने पास 100 रुपये किलो हो जाए 200 रुपये हो जाए 400 हो जाए उन्होंने कोई फर्क पैंदा जिन्हें दिहाड़ी मजबूर करनी है वो पास फर्क पैंदा एक कमाने वाला है मगर 8 जी खाने वाले ने किमें वक्त पास हो सकता मैं ये दस बजे हाँ बस गल है अभी ठीक है जी। नाजरीन ये हमारे बुजुर्गों का पॉइंट ऑफ व्यू है। सर वोट किसको दे रहे शेर क्या वजह शेर वजह ये इमरान खान रोड से सट्टी भाई किसी लोक जगह से सट देव तो चौधरी परवेज लाई आया उन्हें पटा दतिया सारिया वो सारे हूँ अजे तो वेखो तो बहर नवाज शरीफ बनवा रहा है। अच्छा। अल्लाह की मेहरबानी उन्होंने रब इज्जत देवे शान देवे काम तो करेगा ना मुल्क दे जान दे महंगाई तोड़ेगा तो रब इज्जत देवेगा। ठीक है वोट किसका सर हाँ जी पीटीआई का जी क्या वजह बस इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी और पीटीआई आएगी। अच्छा। हाँ जी इमरान खान ग्रेट आदमी है बहुत गुड आदमी है वो आएगा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्या उम्मीद है उनको फिर से मौका मिल जाए क्या करेंगे इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे गरीबों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। हाँ। क्योंकि ये लोग जो है ना नहीं मुल्क के मफाद में नहीं है ये। अच्छा। ये जब भी कोई मुश्किल पेश आती है पाकिस्तान पे तो ये बार भाग जाते हैं मज़ा तो तब है ना कि जिए मरें इधर ही मरें अब देखें इनकी औलाद है। हाँ। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी कानून ही नहीं हमें पर लागू होता तो क्या करें वो कहते हैं हम पाकिस्तानी शहरी नहीं सब खा पी के इधर से गए हैं और जब उधर पहुंचे तो कहते हम पाकिस्तानी नहीं हैं क्या मतलब है ये खा पी के यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान का लूट के लेके जाते हैं तो कम से कम इनको कहना तो चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं कुछ नहीं कहते बस आते हैं अपनी बारी लेते हैं
पैसा समेटते हैं चले जाते हैं। नज़ीर अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद हालात आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, NA 129 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। MPA की सीट तो आपने अपने नाम भी की और छोटी सीट पर तो लड़ते रहे आप, क्या उम्मीद है NA की सीट से? और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल कि लोग आपको वोट क्यों देंगे? देखें, NA तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि इसके लिए 4 PPs आ रही हैं और तकरीबन कोई 29 के लगभग UCs हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन NA सारा कवर हो गया है और इंशाल्लाह ताला जो हमारा जो वोट है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मंशूर दिया है लोगों ने उस बुनियाद पर हमें वोट देना है। और जो लोगों को मियां नवाज शरीफ पर एतमाद है कि नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, और नवाज शरीफ साहब का जब भी टाइम आया और जब भी उनका इकदार मिला उन्होंने मैसिव लेवल पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और हर सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप देखें कि हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सोशल सेक्टर के अंदर, अर्बन प्लानिंग के अंदर, अर्बन डेवलपमेंट के अंदर नवाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर मनसूबाबंदी किसी ने नहीं की। तो लोग जो हैं वो बड़ा वाज़े तौर पर कारकर्दगी के मवाजने की बुनियाद पर फैसला कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने जो पिछली एक गवर्नमेंट गुजरी है जिसको मुसल्लत किया गया था उसकी कारकर्दगी भी बड़ी वाज़े तौर पर देख ली है, और जो उनके दौर में बेरोज़गारी बढ़ी है, जिस तरह लोग मौशी तौर पर तंग हुए हैं, तो उसके अब जवाब में लोगों के पास जो आखिरी उम्मीद है वो मियां नवाज शरीफ साहब। अच्छा हाफिज़ साहब, ये जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुल्तान रोड है, समनाबाद में हम लोग इस वक्त में मौजूद हैं, सब्जा जा रहे हैं, मिडिल क्लास लोग और ख़ासतौर पर गरीब लोगों का ये हल्का है, मसाइल क्या हैं जो आपको लगता है कि अगर आपको मौका मिले तो हल हो सकते हैं इस इलाके के? ख़ासतौर पर बहुत बड़ी आबादी है, बड़ी लेकिन बड़े ख़ानदानी लोग, बड़े वज़ादार लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है। मसाइल जो हैं यहाँ पर, पिछले 5 साल में 1 रुपये का काम नहीं हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रिक्वायर है, सीवरेज के निज़ाम नए बनेंगे, वाटर सप्लाई लाइनें नहीं डलेंगी, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की जो रिहेबिलिटेशन है सारी, और इसके अलावा जो गैस की सप्लाई को इंश्योर करना, तो ये तो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम। इससे आगे बढ़ते हुए जो असल में यंगस्टर्स को, नौजवानों को, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको रोज़गार दिलवाना, तो ये एक हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला। और फिर हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों के ऊपर हमने यहाँ पर डिस्पेंसरीज भी कायम करनी है, और यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स में स्कूल्स की कमी है, तो हमने बड़े अच्छे जो स्कूल हैं वो यहाँ पर इंशाल्लाह कायम करेंगे हम। अच्छा सर, आपने गैस की बात की है कि गैस तो खैर पूरे लाहौर का ही एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, सीवरेज का निज़ाम सबसे ज़्यादा नून लीग ने लाहौर पर, ख़ासतौर पर पंजाब पर हुकूमत की है, अभी तक बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही, अभी तक पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा, क्या रीज़न? 90% तो अवेलेबल है, जो 10% की डेफिशिएंसी है वो अब जाहिर है कि अगर आप रूटीन के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का काम नहीं करेंगे और लंबा गैप आ जाएगा तो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये एक मुसलसल अमल है जो होना, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 5 साल ये काम नहीं हुआ, हत्ता कि डिसिल्टिंग तक जो थी वासा की जिम्मेदारी वो नहीं होती थी, तो इसलिए इसमें अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इन मसाइल का हम हल कर सकते हैं। और गैस के ऊपर तो ये है कि LNG का प्रोजेक्ट मियां साहब दोबारा लेकर आएंगे और गैस हर घर में इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अच्छा हाफिज़ साहब, आपने बात की कि पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ, ये इदारों की जिम्मेदारी है या फिर इदारे भी हुकूमतों के साथ और सियासत के साथ चलेंगे? आप देखेंगे जिस लेवल के शख्स को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया, यानी जो एक कलर बनने के काबिल नहीं था, और शहबाज शरीफ साहब के बाद जब वो शख्स एज अ वज़ीर आला आया, तो फिर आपने देखें कि लाहौर के और जो पंजाब के जो हालात हुए हैं, जिस तरह गंदगी के और गलाजत के ढेर लगाए हैं इन्होंने, शहबाज शरीफ ने तो लाहौर को पेरिस बना दिया था, और LWMC की सूरत में एक तिनका नज़र नहीं आता था, पूरे लाहौर में सफाई का बेहतरीन निज़ाम कायम किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट VIP पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की, और आपने देखा कि मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट, मेट्रो बसों के प्रोजेक्ट, ये होता है असल में एक इर्तका होता है जो कि लोगों के लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है जिससे मईशत का पहिया भी चलता है और लोगों का जहनी लेवल भी बढ़ता है और लोगों को जो डेवलप कंट्रीज़ के बराबर की सहूलियात मैसर आती हैं। तो इस हवाले से अगर आप कंपेरिज़न करें उस्मान बुज़दार साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, तो ऐसे ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। चले सर, पंजाब में तो आपने फ़र्क जाहिर कर दिया, लेकिन उनको फिर बड़ी सीट मिल गई ना, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बन गए और महंगाई का तोड़ निकालना था, महंगाई नहीं टूटी, कैसे टूटेगी अगर दोबारा नून लीग आती है, क्या करेगी?
देखें बात यह है कि ये तो 16 महीने हुकूमत रही है पीडीएम की, ये तो नियाजी साहब का डाला हुआ मेस था और जो इन्होंने एक आपको पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दिया था और इनके बुजुर्गों ने बयानात दे दिए थे कि डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान कर चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। तो उस डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए जो इकदाम शहबाज शरीफ ने किया है, जिसमें अपनी पॉपुलैरिटी को कम्प्रोमाइज़ किया है और जो IMF के साथ जो दोबारा लाइनअप हुआ है उससे पाकिस्तान बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना यहाँ पर 5,000 रुपये लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलना था और लोगों और जो ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, यहाँ जो अफरा तफरी फैलनी थी, खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता तो वो आप ख़ुद उसको विजुलाइज़ कर सकती हैं कि क्या यहाँ पर होना था। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने 16 महीने में इकॉनमी की लाइन दुरुस्त की, IMF के साथ मुआहदे किए, हमारे दोस्त ममालिक और पूरी दुनिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट था पाकिस्तान पे वो दोबारा कायम हुआ। अच्छा सर, इस वक्त जो आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं रोड शो करती हूँ, हर वक्त लोगों के दरमियान में रहती हूँ, महंगाई का शिकवा बहुत ज़्यादा है कि दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, इस वक्त कितना चैलेंजिंग होगा अगर नून लीग को मौका मिलता है महंगाई को तोड़ना, या फिर आसान होगा? देखिए, नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्होंने इकॉनमी को बूस्टअप करना है, इकॉनमी की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो पाकिस्तान की, ये नंबर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये नंबर वन एजेंडा है। और नून लीग ने पहले भी कंट्रोल्स करके दिखा दिए, अब जैसे मियां साहब ने मंशूर में कहा है कि 40% तक हम बिजली की प्राइसेस को नीचे करेंगे और वो होंगी इंशाल्लाह। इसी तरह जो बाकी जितनी चीज़ें हैं, जैसे 4 रुपये की रोटी थी नवाज शरीफ के दौर में, आज वो रोटी 20 रुपये की है। सर 8 की कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि लोग, 4 की ना हो 8 की भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि लोग दुआएँ देंगे। आप ये देखेंगे, ये जितनी अशियाए खुर्दोनोश हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो भी कोई नहीं है, और कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आपने अपनी इनपुट बढ़ानी है, फिर आपने पॉलिसीज़ ऐसी देनी है, जैसे CPEC का रूट अब दोबारा जब शुरू होगा इंशाल्लाह तो इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ बनना है, फिर वहाँ पर हज़ारों जो फैक्ट्रियाँ लगनी हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट जोन बनने हैं, तो ये एक एज आ होल आपको तब्दीली का एहसास होगा। और कुछ चीज़ों में तो हम पब्लिक को इमीडिएट रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, सियासतदानों को कोई अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो मलबा पिछली हुकूमत पे डालती है कि उसने ऐसा कर दिया, हमें तो ख़जाना खाली मिला है, लोगों का क्या कसूर है? और ख़ास तौर पर ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है कि हर गवर्नमेंट आती है पिछले मंसूबे लपेट देती है, अपने शुरू करते हैं, 5 साल पूरे नहीं होते, अगली हुकूमत आती, ये वाला सिस्टम कब ठीक हो? मेरा ख्याल है कि जब 2018 में नवाज शरीफ साहब ने अपने की ख़त्म हुई थी हुकूमत, तो जब इन्होंने टेक ओवर की थी नियाजी साहब ने, तो 28 अरब डॉलर खजाने में पड़ा हुआ था, खजाना खाली नहीं था उस वक्त, जो कि बाद में आप हम 1-1 अरब डॉलर को तरसते रहे हैं। तो ये असल में मैनेजमेंट है, और मैं समझता हूँ सियासतदानों को जो अपना रवैया पॉजिटिव करना चाहिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, अपने डिफरेंसेस भी रखें, इख्तलाफात भी रखें, और इख्तलाफ रखना जमहूरियत का हुसन है, मुल्क के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें और गवर्नमेंट पे तनकीद करें, लेकिन जहाँ पर इकॉनमी का इकोनॉमिक ग्रोथ का इशू आ जाए वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इस पॉलिसी के तहत जब चलेंगे तो इंशाल्लाह खैर करेंगे। हाफिज़ साहब, आखिरी 2 सवाल, एक तो ये कि इस हलके में आपको कौन से कैंडिडेट से लगता है कि ये टक्कर का मुकाबला दे सकता है, इसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है, और दूसरा अपने हल्के के लोगों के लिए मैसेज भी दे दीजिए। देखिए, हल्के के लोगों के तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी का दिन बड़ा करीब है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में माओ बहनों बुज़ुर्गों की इज़्ज़तों को बढ़ाने के लिए, इंशाल्लाह ताला जब हम शेर पे मोहर लगाएंगे तो पाकिस्तान की तरक्की का वो दौर जो 2018 में ख़त्म हो गया था वो दोबारा इंशाल्लाह शुरू होगा। तो इसलिए तमाम नौजवान माएँ बहनें बुज़ुर्ग जो हैं, उनको मेरा मैसेज है कि वो हमारे दस्तों बाजू बने और शेर पर मोहर लगाएं, इंशाल्लाह इस इलाके की भी तामीर नो होगी, जो लोगों के ज़ाती मसाइल हैं उनको भी हल कराएंगे, इनफरादी मसाइल को भी हल कराएंगे, इज्तमाही मसाइल को भी हल करवाएंगे, और मुल्की लेवल पर भी वो पॉलिसीज़ बनाएंगे जिसके नतीजों में मुल्की वकार में इजाफा हो और पाकिस्तान इस करंट से, इस बहरान से निकल जाए। और सर, कौन सा कैंडिडेट टक्कर का मुकाबला दे सकता है, या फिर आपको अपनी जीत बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है? देखिए, हमने कभी भी इलेक्शन को लाइट नहीं लिया, मेरे मुकाबले में कुछ 18-20 कैंडिडेट्स हैं, हमने किसी को भी लाइट नहीं ले रहे, हम इलेक्शन के जो तकाजे हैं वो पूरे कर रहे हैं, हम एक एक गली में एक एक मोहल्ले में जा रहे हैं, और आप देखें कि मेरी जो मूवमेंट है, मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ, रात 3 बजे घर जाता हूँ, तो तकरीबन 25 से 30 प्रोग्राम मैं डेली कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं अक्रॉस NA मैं एक एक गली के अंदर मेरी एक्सेस हो जाए ताकि मेरा एक लोगों से राबता हो जाए, तो मुझे तो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन कामिल है कि इंशाल्लाह ताला फतायाब होंगे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और इस हलके के लोगों को आप पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने है, मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल एक नए हलके के साथ आपके साथ
मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।